केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बनने के बाद कल शिवपुरी आ रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री रोड शो करेंगे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक शिवपुरी शहर में अपने नेता के आगमन को लेकर काफी उत्सुक हैं और शहर को पोस्टर बैनर से उन्होंने भर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगमन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री और पोखरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश धाकर राठखेड़ा भी बाजारों में घूमकर लोगों को पीले चावल बांट रहे हैं और सिंधिया के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। जन जन के नेता सरमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहला दौरा अपने गृह सुपरी में हो रहा है, तो सारे परिवार को बहुत खुशी है और पूरे परिवार को घर घर जाके सिंधिया महाराज की पूरी टीम सबको निमंत्रण दे रही है, पीले चावल हल्दी दे रही है और सबको इनवाइट कर रही है कि कल अपने महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज पहली बार सुपरी आ रहे हैं। हम सबका कर्तव्य दायित्व बनता है, परिवार का मुखिया आ रहा तो परिवार के सदस्यों का कर्तव्य होता है, हम सबको मिलके इतिहास के स्वागत सरमंत महाराज साहब का उनके गृह नगर सुपरी में होना चाहिए। सारे लोगों में भारी खुशी है, बहुत उत्साह, और कल आप देखना 6 बजे ऐतिहासिक स्वागत सरमंत महाराज साहब सिंधिया का सुपरी की जनता पलक फाड़े बिछा कर करेगी। और इसके लिए सभी पत्रकार भाई साथियों का मैं सहयोग चाहता हूँ और मुझे पूर्ण आशा नहीं विश्वास है सभी मीडिया साथी, हम पूरे भाजपा परिवार का सिंधिया महाराज के परिवार को लोगों का हमेशा आपने ध्यान रखा और आगे भी आप हमारा रखते रहो। नहीं, सरमंत महाराज साहब अकेले हैं, युवराज महाराज साथ में नहीं है, सिर्फ बड़े महाराज आ रहे हैं। युवराज महाराज का अगला कार्यक्रम अगले महीना 12-13 तारीख को ब्लॉक वाइज बन रहा है, पूरे संभाग में युवराज महाराज का दौरा बहुत जल्दी बनने जा रहा है।